हेलो एवरीवन, ओरेकल टेक इंडिया में आप सब लोगों का स्वागत है। दिस इज अनिल के शर्मा और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करूंगा। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में वीडियो लेक्चर सेकेंड है। तो आइए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का जो फर्स्ट एडवांटेज है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी इसका फर्स्ट एडवांटेज है और ट्रांसपेरेंसी के अंदर हम चार तरह की ट्रांसपेरेंसी को पढ़ेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के सारे एडवांटेज होंगे। तो फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी जो है नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी है, दूसरा नेमिंग ट्रांसपेरेंसी है, तीसरा रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी है और चौथा फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी है जो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का नेटवर्किंग ट्रांसपेरेंसी कैसे उसका एक एडवांटेज है। तो नेटवर्किंग ट्रांसपेरेंसी या नेटवर्किंग सिस्टम में लोकेशन जो होता है वो लोकेशन की ट्रांसपेरेंसी को हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का ये एडवांटेज है। तो कैसे? तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि वाइल एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन यू नीड नॉट वरी अबाउट वेयर डेटाबेस इज लोकेटेड। तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि जब यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस सिस्टम से फेच करता है तो उसको ये जानने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उसका डेटाबेस कहाँ पर स्टोर है। जो भी इंफॉर्मेशन वो फेच करना चाह रहा है वो इंफॉर्मेशन सीधे उसके पास उठ करके आ जाती है। तो इंफॉर्मेशन फेच करने के दो तरीके हैं, एक तो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट से क्वेरी फायर करके मेन डेटाबेस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को फेच किया जाता है और दूसरा कंपनी के हर डिपार्टमेंट में डेटाबेस का जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर पे। तो हर एम्प्लॉई अपने कंप्यूटर से डेटाबेस एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन जो है फेच करता है, तो वो भी जो है डेटाबेस सिस्टम से ही इंफॉर्मेशन फेच होकर के आती है। तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी में यूजर जब इंफॉर्मेशन फेच करता है तो इसको इस बात की कोई टेंशन नहीं होती है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से, मतलब डेटाबेस कहाँ पर स्टोर है, कहाँ पर लोकेटेड है। सीधे वो क्वेरी फायर करता है या फिर एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन फेच करता है और इंफॉर्मेशन उठ करके उसके पास आ जाती है। तो ये तो था नेटवर्किंग ट्रांसपेरेंसी जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का एक एडवांटेज है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी के अंदर दूसरा जो एडवांटेज है वो है नेमिंग ट्रांसपेरेंसी। तो वंस आई हैव गिवन ए नेम टू दैट ऑब्जेक्ट माई सिस्टम इज इजीली एबल टू एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अमंगस्ट वेरियस ऑब्जेक्ट। तो एक बार अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, लेट सपोज किसी टेबल में से इंफॉर्मेशन को फेच करना चाह रहे हैं, जैसे ईएमपी टेबल, स्टूडेंट टेबल या डिपार्टमेंट टेबल, किसी भी टेबल से इंफॉर्मेशन को फेच करना चाह रहे हैं, तो एक बार मैंने उस टेबल का नाम दे दिया तो मेरा सिस्टम क्या करेगा, वो इजीली वेरियस नाम में से, वेरियस ऑब्जेक्ट में से उस नाम वाले टेबल को फेच करके, उससे इंफॉर्मेशन को फेच करके डेटाबेस सिस्टम हमें प्रोवाइड कर देगा। तो इसको नेमिंग ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं कि लेट सपोज एक डोमेन एड्रेस है जिसका नाम है amazon.com। तो जब हम amazon.com पे क्लिक करेंगे तो नेमिंग ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पर मतलब यह है कि amazon.com पे जैसे ही क्लिक करेंगे amazon.com क्या करेगा, हमें amazon.com सर्वर पर ले जाएगा जहाँ भी amazon सर्वर का, जहाँ भी amazon.com का सर्वर लोकेटेड है। तो नेमिंग ट्रांसपेरेंसी में अगर वो नेम डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे या उसको अपने क्वेरी में या डेटाबेस के एप्लीकेशन में जैसे ही हम उसको डाल करके और इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे तो उस नाम से जो है
डेटाबेस सिस्टम में सर्च करके आपके इंफॉर्मेशन को तुरंत प्रोवाइड कर देगा, तो इसी को नेमिंग ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अब जो है थर्ड ट्रांसपेरेंसी के अंदर जो थर्ड चीज है वो है रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का एडवांटेज है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। तो डेटाबेस सिस्टम में जो है रेप्लिकेशन वर्ड या रेप्लिकेट करना, डेटा का रेप्लिकेट करना, ये रेप्लिकेशन टर्म बार बार आता है। तो रेप्लिकेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इससे पहले रेप्लिकेशन को समझने से पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का सेटअप कैसा होता है। तो इसके पिछले लेक्चर में मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का सेटअप बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक नेटवर्किंग सिस्टम के एनवायरमेंट में, एक नेटवर्किंग सिस्टम होता है, मैश टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी का एक नेटवर्किंग सिस्टम होता है, और उस नेटवर्किंग सिस्टम में अलग अलग साइट पे जो है डिस्क, प्रोसेसर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, और मेमोरी को इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर दूसरे साइट पे जो है डिस्क, जिसमें डेटा स्टोर होकर के रखेगा, डिस्क और प्रोसेसर या ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी दूसरे साइट पर इसी तरीके से सेटअप बना दिया जाता है। तीसरे साइट पे भी डिस्क, जिसमें आपका डेटाबेस स्टोर होगा वो डिस्क, उसके बाद प्रोसेसर, सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों एक ही चीज है वो, प्लस मेमोरी, इन तीनों को वहां पर सेट करके पूरा एक सेटअप तैयार कर दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि उसको कितने लोकेशन पे डेटाबेस को स्टोर करके रखना है। तो लेट सपोज तीन लोकेशन पे डेटाबेस को स्टोर करके रखना है, तो तीनों लोकेशन पे मैंने क्या किया, स्टोरेज डिवाइसेस जिसको डिस्क बोलते हैं, जिस पर डेटाबेस स्टोर होगा वो, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि प्रोसेसर, प्लस मेमोरी, तीनों साइट पे मैंने इंस्टॉल कर दिया है, उसका सेटअप तैयार कर दिया है। अब कंपनी के इंफॉर्मेशन को मैं क्या करूंगा, तीनों साइट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और जो है कंपनी के अपने अपने ब्रांच से हर एम्प्लॉय जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में डेटा को फेच करेंगे अपने डिपार्टमेंट से, अपने एसक्यूएल की क्वेरी वगैरह से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम वही होता है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि लेट सपोज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में तीन साइट पे डेटाबेस को स्टोर किया गया है, तो तीनों साइट पे जो है डेटाबेस डिस्क के अंदर इंफॉर्मेशन जो है पड़ा हुआ है, तीनों साइट के ऊपर जो है डिस्क पे इंफॉर्मेशन या डेटाबेस स्टोर है। तो यहां पर जो है क्या है कि तीनों साइट पे लेट सपोज एक ही टेबल्स, एक टेबल के अंदर जो है कंपनी के इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो एक टेबल को मैंने तीन पार्टीशन में डिवाइड करके तीनों साइट पे इक्वली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहां पर रेप्लिकेशन का मतलब यह है कि तीनों साइट पे एक ही टेबल के तीन टुकड़े होकर के स्टोर हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि पहले साइट पे दूसरे और तीसरे साइट का जो टेबल का जो पार्टीशन है उसका एक डुप्लीकेट डेटाबेस बना करके पहले साइट पे मैं रखूंगा, दूसरे साइट पे तीसरे और पहले साइट का जो डेटाबेस है उसका एक डुप्लीकेशन बना करके मैं रखूंगा, और तीसरे साइट पे पहले और दूसरे डेटाबेस का एक डुप्लीकेट डेटा, कॉपी डेटा बना करके मैं वहां पे रखूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा, इसी को रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जिस लोकेशन पे एक डेटाबेस स्टोर है, अगर कोई ब्रांच जो है कोई इंफॉर्मेशन फेच करता है और वो इंफॉर्मेशन उसी के लोकेशन पे जो है पड़ी हुई है, तब तो इंफॉर्मेशन तुरंत फेच करके दे देगा। अगर वही इंफॉर्मेशन उस ब्रांच से अगर कोई इंफॉर्मेशन फेच कर रहा है और वो इंफॉर्मेशन दूसरे साइट पे पड़ा हुआ है और वो दूसरा साइट या दूसरा लोकेशन बहुत दूर है,
तो बहुत दूर है, तो उसका डुप्लीकेट डेटा जो हमने फर्स्ट साइट पे स्टोर करके रखा था, तो उस ब्रांच से जब वो इन्फॉर्मेशन फेच करेगा एम्प्लॉय कोई, तो दूर वाले साइट से उस इन्फॉर्मेशन को फेच ना करके उसका जो डुप्लीकेट डेटा पहले साइट पे पड़ा हुआ है उसी साइट से डुप्लीकेट डेटा से इन्फॉर्मेशन फेच करके दे देगा। तो इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो जाएगी, क्वेरी बहुत फास्ट रन करेगी। तो उसी को रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। तो डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सिस्टम में जो है हर साइट की जो है हर साइट की डेटाबेस का एक डुप्लीकेट डेटा बना करके अलग-अलग साइट पे रखा जाता है। तो इसी को रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा रिलेशन इज रेप्लिकेटेड टू मोर देन वन साइट। तो रिलेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि टेबल या सारे टेबल्स कंपनी के इंफॉर्मेशन टेबल्स में डाले जाते हैं, स्टोर करके रखे जाते हैं और सारे टेबल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो एक तरीके से रिलेशन हो गया। तो टेबल्स में जो पड़ी हुई इंफॉर्मेशन है उसका क्या किया जाता है, एक डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, और डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन बना करके लेट सपोज तीन साइट पे डेटाबेस स्टोर है, तो तीनों साइट पे पूरी इन्फॉर्मेशन का डुप्लीकेट डेटा बना करके वहाँ पर स्टोर करके रख दिया जाता है। और किसी भी ब्रांच से एम्प्लॉय जब क्वेरी फायर करता है या इन्फॉर्मेशन को फेच करता है तो बिल्कुल उसके पास वाले लोकेशन से इन्फॉर्मेशन फेच करके दे देता है, चाहे वो डुप्लीकेट डेटा से इन्फॉर्मेशन को फेच करके देना पड़े तो वो पास वाले लोकेशन से ही जो है इन्फॉर्मेशन को फेच करके यूज़र को दे देता है। तो इससे जो है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का टाइम बहुत फास्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ईएमपी टेबल को मैंने क्या किया है, दो पार्ट में ईएमपी टेबल को मैंने क्या किया है, साइट वन पे और साइट टू पे दो पार्टीशन बना करके मैंने स्टोर कर दिया है। तो इस साइट पे साइट वन पर ईएमपी का लेट सपोज आधा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक है, और ईएमपी का बाकी का आधा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो रेप्लिकेशन का यहाँ पर मतलब क्या है कि साइट वन पे जो आधा इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है और बाकी का जो आधा इन्फॉर्मेशन साइट टू पे पड़ा हुआ है, तो साइट वन का जो इन्फॉर्मेशन इसका एक रेप्लिकेट डुप्लीकेट पूरा का पूरा डुप्लीकेट डेटा बना करके साइट टू पर रख दिया जाता है। तो साइट टू पर एम्प्लॉय का आधा ओरिजिनल डेटा होगा और एम्प्लॉय का आधा डुप्लीकेट डेटा साइट वन वाला इसके पास स्टोर होगा। और सेम साइट वन पर भी ऐसे ही किया जाता है, साइट वन पर ईएमपी का आधा डेटा जो ओरिजिनल डेटा है वो साइट वन पर यहाँ तो होगा ही होगा, और साथ में जो बाकी का आधा डेटा जो साइट टू पे पड़ा हुआ है उसका एक डुप्लीकेट डेटा बना करके साइट वन के पास रख दिया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो साइट वन और साइट टू पे ईएमपी टेबल को दो पार्टीशन में रखा गया, पर हर साइट जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने पास रख रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी यूज़र अपने डिपार्टमेंट से कोई भी क्वेरी जो है फायर करके या किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन से इन्फॉर्मेशन को फेच करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन अपने पास के लोकेशन से फेच करेगा, तो पास के लोकेशन से ही उसको ओरिजिनल डेटा प्लस डुप्लीकेट डेटा सारा कंप्लीट डेटा उसको मिल जाएगा, और ओरिजिनल और डुप्लीकेट डेटा को रीड करके डेटाबेस सिस्टम क्या करेगा उस यूज़र के पास इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देगा। तो कुल मिला जुला करके इसी को रेप्लिकेशन बोलते हैं, और जब इस तरीके से काम स्मूथली होता है तो इसी को रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन में एक चीज और है कि इफ आई मेक एनी मॉडिफिकेशन एट साइट वन, अब यहाँ पर साइट वन के डेटाबेस में मैंने कोई मॉडिफिकेशन किया है, कोई डेटा और इंसर्ट कर दिया, कोई और डेटा मैंने अपडेट कर दिया, तो इसका जो डुप्लीकेट डेटा साइट टू पर पड़ा हुआ है जैसे ही मैं साइट वन पे अपडेट करूंगा तो साइट टू पे जो इसका डुप्लीकेट डेटा पड़ा हुआ है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ आई मेक एनी मॉडिफिकेशन एट साइट वन, अगर साइट वन पे मैं कोई भी मॉडिफिकेशन कोई भी इंसर्ट अपडेट डिलीट करता हूँ डेटा में
तो वही चेंजेस विल बी मेड इन साइट टू रिफ्लेक्टेड, तो वही चेंजेस जो है साइट टू पे, जो साइट वन का डुप्लीकेट डेटा रखा गया है उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे, वो भी अपडेट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एडवांटेज में हम ट्रांसपेरेंसी के बारे में समझ रहे थे, तो यहाँ पे फोर्थ टाइप का जो है ट्रांसपेरेंसी है जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। तो आइए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का जो है फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी कैसे उसका एक एडवांटेज है। तो हालांकि फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, तो जो है डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन और मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में एक वीडियो लेक्चर और आएगा, और उसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में, वहां पर हम फ्रेगमेंटेशन को ही डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में कैसे स्टोर करके रखा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी क्या है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का एक एडवांटेज कैसे है। तो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली दो टाइप्स के हैं यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और दूसरा जो है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि सीधा खड़ा, एक लकड़ी को हम सीधा खड़ा रखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में खड़ा हो गया, तो ऊपर वाले को अपर हैंड बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर हैंड बोलते हैं। और वर्टिकल का मतलब है कि एक लकड़ी को हाथ में पकड़ लेंगे और पूर्व पश्चिम की दिशा में लकड़ी को रख करके हाथ में पकड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म में लकड़ी को पकड़ रखा है। तो लकड़ी का जो दाया हिस्सा होगा उसको राइट हैंड बोलेंगे, लकड़ी का बाया हिस्सा जो होगा वो उसको लोअर हैंड बोलेंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली टेबल्स में स्टोर करके रखी जाती है, तो किसी भी टेबल को हॉरिजॉन्टली तोड़ करके, हॉरिजॉन्टली इसका पार्टीशन बना करके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में अलग अलग साइट पे स्टोर कर दिया जाता है। तो हॉरिजॉन्टली टेबल को तोड़ेंगे कैसे, तो वो ऐसे तोड़ेंगे कि लेट सपोज मैंने एक टेबल बनाया, टेबल का नाम है ईएमपी टेबल, और ईएमपी टेबल में मैंने एम्प्लॉई आईडी उसका कॉलम नेम दिया, ईएमपी नेम उसका कॉलम नेम दिया और सैलरी उसका कॉलम नेम दिया। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि अगर मैं फिक्स कर दूँ, एक पार्टीशन बना दूँ कि एक से लेकर के 20,000 तक एम्प्लॉई आईडी को एक साइट पे स्टोर करके रखना है, और 20,000 से लेकर के आगे जितनी भी आईडी आए उसको मुझे दूसरे साइट पे जो है रखना है। तो यहाँ पर जो है टेबल जो है हॉरिजॉन्टली टेबल को दो पार्ट में डिवाइड करके पार्टीशन बना दिया गया है, इसी को हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, मतलब अपर हैंड और लोअर हैंड एक एम्प्लॉई आईडी में फिक्स कर देंगे कि इतने से इतने आईडी तक जो है उतना इन्फॉर्मेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साइट वन पे डिस्क पे जा करके स्टोर होगा, और इतने से इतने आईडी तक का डेटा जो है वो लोकेशन टू पे या साइट टू पे डिस्क पे जा करके स्टोर होगा। तो अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इस टॉपिक को समझाऊंगा तो वहाँ पे जो है डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तो वहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो है लेट सपोज एक टेबल है ईएमपी टेबल, उसमें मैंने एम्प्लॉई आईडी, ईएमपी नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नेम, ये चार कॉलम्स के नेम डाले हैं मैंने, तो मैं इसको वर्टिकली तोड़ दूंगा, इस टेबल को तोड़ करके अगर दो साइट पे डेटा को स्टोर करना है तो दो पार्टीशन बनाऊंगा इसका,
तो वर्टिकली इसका पार्टीशन कैसे बनाऊंगा, तो एम्प्लॉई आईडी और ईएमपी नेम को मैं एक साइट पे जाकर के स्टोर करूंगा, और जो है एम्प्लॉई आईडी और ईएमपी सैलरी और डिपार्टमेंट नेम मैं जाकर के दूसरे साइट पे डेटा को स्टोर करूंगा। तो यहाँ पर दोनों जगह मैंने एम्प्लॉई आईडी इसलिए लिया है ताकि वो डेटा वो टेबल लॉजिकली आपस में अलग अलग साइट पे स्टोर होने के बावजूद भी लॉजिकली वो टेबल आपस में जुड़ी रहे। तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में इस तरीके से इंफॉर्मेशन को अलग अलग साइट पे स्टोर करके रखा जाता है, तो इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। तो इस तरीके से भी डेटा को पार्टीशन बना करके अलग अलग साइट पे डेटा को स्टोर किया जाता है, तब भी जो है क्वेरी फास्ट हो जाती है रेप्लिकेशन की वजह से। तो इसी को बोलते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ स्मूथली रन कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का जो सेकंड एडवांटेज है वो है इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो रिलायबिलिटी जो है इन केस ऑफ सिस्टम अनरिलायबल, सिस्टम के अनरिलायबल के केस में भी जो है डेटाबेस सिस्टम इज वर्किंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। डेटाबेस सिस्टम जो है पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे वर्क करता रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एनवायरनमेंट में क्या होता है कि डेटा का जो है पार्टीशन करके अलग अलग साइट पे स्टोर किया जाता है। तो अगर किसी साइट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ के डेटाबेस में कोई दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो भी जो है डेटाबेस सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा, क्योंकि जो जिस साइट पे प्रॉब्लम आ रही है उस साइट का जो डेटाबेस है उसकी एक रेप्लिका या उसका एक डुप्लीकेट डेटाबेस बना करके बाकी के साइट्स पे स्टोर कर दिया जाता है। तो इसलिए डेटाबेस सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है वो एक रिलायबल डेटाबेस सिस्टम है। अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि अगर किसी भी साइट्स पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी साइट्स फेल हो जाता है, तो भी जो है यूज़र अपने डिपार्टमेंट से या एसक्यूएल की क्वेरी से अगर कोई इन्फॉर्मेशन फेच करना चाहता है तो उसको वो प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आएगी और उसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, तुरंत उठ करके आएगी, तो उसको अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो सिस्टम इज़ वर्किंग कंटिन्यूसली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे भी डेटाबेस सिस्टम जो है वर्किंग करेगा, कंटिन्यूसली करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि इफ़ वन साइट गोज डाउन, कि लेट सपोज एक साइट जो है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अदर साइट स्टिल जो है वर्क करेगी और यू कैन फायर क्वेरी विदाउट एनी प्रॉब्लम, और आप जो है कोई भी क्वेरी फायर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के, और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो किसी भी साइट पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप क्वेरी फायर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल होगा। तो ये था सेकंड एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। नाउ द थर्ड एडवांटेज ऑफ डेटाबेस इज इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का जो एडवांटेज, थर्ड एडवांटेज है, वो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है। तो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस में क्या होता है कि इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एनवायरनमेंट में इफ़ ए यूज़र मेक्स ए क्वेरी एट P1 साइट, अगर कोई यूज़र कोई क्वेरी फायर करता है P1 साइट के लिए एंड ऑल द डेटाबेस एलिमेंट्स प्रजेंट इन साइट P1 itself, और जिस इंफॉर्मेशन के लिए यूज़र ने क्वेरी फायर किया है P1 साइट के लिए, वो इंफॉर्मेशन अगर P1 साइट पे ही स्टोर है, फिर उसकी क्वेरी रिक्वेस्ट को
अदर साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, वो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है। यहाँ पे अननेसेसरी क्वेरी जो है अदर साइट पे रन नहीं होगी, जिस साइट पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसी साइट पे क्वेरी रन हो करके डेटा को फेच करके यूजर के पास भेज देगी। अब समझते हैं कि इफ देयर आर मेनी एलिमेंट्स बीइंग एक्सेस्ड इन क्वेरी लोकेटेड एट डिफरेंट साइट्स, देन रिक्वेस्ट इज मेड एट साइट P1, P2 एंड P3। अब मान लीजिए कि एक यूजर ने क्वेरी फायर किया है और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो तीन साइट पे पड़ी हुई है, P1, P2 और P3। तो उसकी क्वेरी जो है तीनों साइट पे रन होगी और तीनों साइट जो है P1, P2, P3 ये तीनों एक साथ मिल करके पैरेलली जो है रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर तीनों साइट पे क्वेरी रन कैसे होगी कि यूजर जब क्वेरी फायर करेगा तो सिंगल क्वेरी के तीन सब पार्ट क्वेरी बन जाएंगे और तीनों सब पार्ट क्वेरी एक एक साइट पे जो है रन होगी और तीनों साइट जो है कोलैबोरेटली का मतलब एक साथ मिल करके एक सिंगल सिस्टम की तरह वर्क करके पैरेलली जो है तीनों क्वेरी को रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इसी को पैरेलाइजेशन भी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में। अब इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है कोलैबोरेशन का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेशन क्या है कि इन इट देयर इज ए कलेक्शन ऑफ डेटाबेस सर्वर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डेटाबेस सर्वर होता है, क्योंकि अलग अलग साइट पे डेटा स्टोर होते हैं तो अलग अलग साइट पे एक सिंगल डेटाबेस सर्वर होता है। तो इच डेटाबेस सर्वर जो है वो कैपेबल होता है अपनी तरफ आने वाले ट्रांजेक्शन को रन करने के लिए अगेंस्ट लोकल डेटा, जो भी डेटा उसके पास पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन जो भी क्वेरी उस सर्वर के पास आती है, हर साइट पर जो सर्वर है डेटाबेस सर्वर है उस सर्वर के पास कोई भी ट्रांजेक्शन रन होने के लिए आती है डेटा के लिए, तो वो सर्वर क्या करते हैं उसको रन करने में कैपेबल है और रन करके इट फाइंड्स रिजल्ट, ये रिजल्ट्स को फाइंड करता है और सारे रिजल्ट्स को मर्ज करके यूजर के पास भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में डेटाबेस की सर्विस है वो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, डेटाबेस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। फोर्थ एडवांटेज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का वो है ईजियर टू एक्सपेंड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या है कि आप एक एडिशनल लोकेशन को ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एडिशनल लोकेशन को ऐड करने के लिए नेटवर्किंग सिस्टम में किसी भी लोकेशन पे जाकर के आप फिजिकल डिवाइसेस और प्रोसेसर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी इन तीनों को एक साथ इंस्टॉल करके पूरा एक डेटाबेस का सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक लोकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो यू कैन ऐड मोर प्रोसेसर एट इस साइट और हर साइट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर लगा करके सिस्टम को फास्ट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। तो इसका पहला जो डिसएडवांटेज है वो है लेस सिक्योरिटी बिकॉज डेटा इज एट सो मैनी डिफरेंट साइट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या होता है कि डेटा की पार्टिशनिंग करके उसको अलग अलग साइट पे स्टोर करके रखा जाता है जिससे डेटा की सिक्योरिटी कम हो जाती है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉम्प्लेक्स। तो क्योंकि डेटा अलग अलग साइट्स पे पड़ा हुआ होता है जिससे डेटा को मैनेज करना और उसको कंट्रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो है इंटीग्रिटी कंट्रोल इज मोर डिफिकल्ट।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जो है इंटीग्रिटी कंट्रोल करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा के ऊपर, टेबल्स के ऊपर जो हमने प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नोटनल की, कॉन्स्टेंट्स वगैरह ये सब लगाए हैं, तो इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि डेटा अलग अलग साइट पे पड़ा हुआ है। जब क्वेरी अलग अलग साइट से डेटा को फेच करके लाती है तो वहाँ पर इंटीग्रिटी कंट्रोल नहीं हो पाती है ढंग से। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का जो सेटअप है उसको तैयार करने में बहुत खर्चा आता है, बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा होती है। डेटाबेस डिज़ाइन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे डेटाबेस की डिज़ाइनिंग करने में भी काफ़ी डिफिकल्टी आती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसकी डिज़ाइनिंग करने में। जो सिक्स डिसएडवांटेज है वो है रिकवरी ऑफ फेलियर इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। अगर कहीं फेलियर आ जाए, किसी भी साइट्स पे डेटाबेस में फेलियर आ जाए, तो उसकी रिकवरी करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। और लास्ट जो डिसएडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का, वो है इंक्रीज प्रोसेसिंग ओवरहेड। तो यूजर जब क्वेरी फायर करता है तो क्वेरी जब प्रोसेस करती है तो प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग ओवरहेड उसमें आती रहती है। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के डिसएडवांटेज थे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।